आज की कहानी है हिंदी सिनेमा जगत की पहली महिला सुपरस्टार जिन्होंने महज 4 साल की उम्र में ही अब फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था। लेकिन उनकी जो पहली मूवी थी वो बॉलीवुड की नहीं थी। जी हाँ, उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी तमिल की मूवी से जिनका नाम महेंद्रु मुच्छुत था। प्रोनाउंसिएशन के लिए मैं पहले से सॉरी बोलती हूँ क्योंकि हो सकता है प्रोनाउंसिएशन कुछ गलत हो जाए, इसके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा। तो जैसे मैंने बताया कि उन्होंने तमिल मूवी में बाल कलाकार से अपनी फिल्मी जगत में उन्होंने शुरुआत की थी और उसके बाद उन्होंने वहाँ से ही अपने करियर की शुरुआत की। लेकिन बॉलीवुड में उनकी एंट्री होती है फिल्म जूली के एक बाल कलाकार के रूप में और एज अ लीड एक्ट्रेस उनकी पहली मूवी थी 16 सावन। लेकिन उन्हें सफलता मिली फिल्म हिम्मतवाला से। उसके बाद उन्होंने एक के बाद एक हिट फिल्में दी और बॉलीवुड में अपनी छाप छोड़ दी और उसके बाद उन्हें पहली महिला सुपरस्टार के नाम से जाना जाने लगा। और उसके बाद साल 2013 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। उसके बाद उन्होंने कई सारे फिल्म फेयर अवार्ड जीते और कई सारे ऐसे अवार्ड हैं जिसको उन्होंने अपने नाम किया। तो जी हाँ, बिल्कुल समझ चुके होंगे कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। तो मैं बात कर रही हूँ हिंदी सिनेमा जगत की बहुत ही लोकप्रिय अभिनेत्री लेट श्रीदेवी जी के बारे। तो यहाँ पे लेट कहना शायद मेरे लिए सही नहीं होगा क्योंकि अपने बेहतरीन अभिनय के दम पर वो आज भी अपने फैंस के दिलों में जिंदा है। घर घर में श्रीदेवी के नाम से जाने जाने वाली इस एक्ट्रेस का नाम श्री अम्मा येजर अयप्पन है। इनका जन्म 13 अगस्त 1963 को सिवकासी में हुआ था जो कि उस समय मद्रास था और अभी का तमिलनाडु है। इनके पिता पेशे से वकील थे लेकिन इनके ऊपर कभी भी ऐसा कोई दबाव नहीं रहा। बहुत कम ऐसे पेरेंट्स होते हैं जो अपने बच्चों को अपनी इच्छा अपने बच्चों पर नहीं थोपते हैं, ऐसा ही श्रीदेवी के साथ था। इन्हें बचपन से ही अभिनय का काफ़ी ज़्यादा शौक था तो इनके पेरेंट्स ने भी इन्हें काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया। अपने एक पोस्ट के अकॉर्डिंग श्रीदेवी कहती है कि आई लॉस्ट आउट ऑन गोइंग टू स्कूल एंड कॉलेज लाइफ बट आई गॉट इन टू द फिल्म इंडस्ट्री एंड वर्क विदाउट अ गैप। फ्रॉम चाइल्ड एक्टर आई वेंट स्ट्रेट टू हीरोइन। देयर वॉज नो टाइम टू थिंक एंड आई वॉज ग्रेटफुल फॉर इट। बचपन, फिल्में, करियर और उसके बाद आता है लाइफ में एक पड़ाव। जी हाँ, उन्होंने 1996 में फिल्म निर्माता निर्देशक बोनी कपूर के साथ शादी कर ली जिसके बाद उन्होंने अपने करियर में एक ब्रेक ले लिया। लेकिन उनकी जो जर्नी है वो यहीं पे समाप्त नहीं होती है। उसके बाद उन्होंने दोबारा कमबैक किया बॉलीवुड की मूवीज इंग्लिश से और उनकी लाइफ जो है वो काफ़ी अच्छी चल रही होती है। तभी सडनली एक न्यूज आती है। वो दिन था 24 फरवरी 2018 को जब उनकी मृत्यु की खबर हम सब तक पहुंचती है। उस समय उनकी उम्र महज 54 साल थी। बॉलीवुड में पहली महिला सुपरस्टार का खिताब जीतने वाली एक्ट्रेस की रहस्यमय तरीकों से मौत हो जाती है। उनकी मृत्यु दुर्घटना थी या कोई साजिश, वो आज भी पहली बनी हुई है। तो उनकी मृत्यु को करीब 5 साल हो गए हैं तो आज मैं इस बारे में बिल्कुल भी चर्चा नहीं करने वाली हूँ कि उनकी मौत के पीछे का थ्योरी क्या था क्योंकि ये सभी लोगों को उनकी मृत्यु के पीछे की थ्योरी जो है वो सभी लोगों को पता है। मैं आज की वीडियो में बात करने वाली हूँ उन पहलुओं की तरफ, उन कुछ ऐसे कुछ पॉइंट है जिसकी तरफ मैं बात करने वाली हूँ जो इस बात की ओर इशारा करती है कि उनकी मृत्यु सामान्य थी या साजिश, उनकी मृत्यु दुर्घटना में हुई थी या किसी का बना बनाया प्लान था। ऐसा क्या कारण था कि उनकी मृत्यु के कई दिनों के बाद उनका अंतिम संस्कार किया गया? क्या ऐसे कारण थे? इन सभी के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे अपने आज की वीडियो में। तो चलिए बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो मेरे चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मेरे इस चैनल पे आपको ऐसे ढेर सारे न्यूज मिलते रहेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो अपने पहले पॉइंट की तरफ बढ़ने से पहले मैं एक स्टोरी जो है वो थोड़ी ब्रीफ में बता देती हूँ कि श्रीदेवी की मौत दुबई में हुई थी जब वो एक मैरिज फंक्शन को अटेंड करने गई थी। मैरिज फंक्शन अटेंड करने के बाद सभी घर आ चुके थे लेकिन श्रीदेवी वहाँ पर रुकी थी क्योंकि उसे अपनी बेटी के 21वें बर्थडे के लिए कुछ शॉपिंग करनी थी। लेकिन उसी समय अगले दिन बोनी कपूर उनके होटल रूम में आ जाते हैं और दोनों मिलकर डिनर करने का प्लान करते हैं और उसी बीच श्रीदेवी बाथरूम जाती है फ्रेश होने के लिए। अब यहाँ पे पहला पॉइंट ये आता है कि काफ़ी देर बाद जब श्रीदेवी फ्रेश होकर नहीं आती है तो बोनी कपूर उन्हें देखने के लिए जाते हैं कि आखिर क्या कारण है जो श्रीदेवी अभी तक नहीं आई है। जब वो बाथरूम में जाते हैं तो वो देखते हैं कि वो बाथरूम में बाथटब में गिरी पड़ी है। उस समय बोनी कपूर को क्या करना चाहिए था? वैसे पैनिक सिचुएशन में पता नहीं दिमाग कैसा काम करता है लेकिन सभी का दिमाग तो एटलीस्ट इतना तो काम करना चाहिए कि अगर कोई इंसान बेहोश है तो हमें सबसे पहले होटल के किसी स्टाफ को, इमरजेंसी को या डॉक्टर को कॉल करना चाहिए। लेकिन बोनी कपूर ने उस समय अपने फ्रेंड को कॉल किया। तो यहाँ पे एक थ्योरी है जो कहती है कि
वो अपने फ्रेंड को बुलाकर क्या क्या कंफर्म करना चाहते थे? क्या वो ये कंफर्म करना चाहते थे कि इनकी सांसें चल रही है या बंद हो चुकी हैं? कहने को वहाँ पे कुछ भी किया जा सकता था, लेकिन बोनी कपूर ने सारे पॉइंट को एक साइड रखकर उन्होंने अपने फ्रेंड को कॉल किया, हो सकता है ये कंफर्म करने के लिए कि उनका प्लान सक्सेस हुआ है या नहीं। फिर दूसरी थ्योरी ये होती है कि ये तो बोनी कपूर का बयान था कि वो उस समय जब श्रीदेवी की मौत हुई उस समय वो दुर्घटना के समय होटल रूम पे उनके साथ मौजूद थे, लेकिन होटल के एक स्टाफ का कहना है कि मतलब कि होटल के एक स्टाफ का जो बयान है वो बिल्कुल इसके अपोजिट है। लेकिन यहाँ पे पॉइंट नोट डाउन करने वाली बात ये है कि मृत्यु की जो छानबीन चल रही थी उस समय होटल के स्टाफ का बयान कहीं भी नहीं लिया गया। तीसरा पॉइंट हमारा ये आता है कि जब ये सब कुछ घटना होने के बाद जब होटल के स्टाफ ने डॉक्टर को वहाँ बुलाया तो डॉक्टर ने वहाँ पे कहा कि इनकी मृत्यु हृदय की गति के रुकने की वजह से हुई है, लेकिन जब पोस्टमार्टम किया गया तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अकॉर्डिंग उनकी मृत्यु बाथटब में डूबने की वजह से हुई थी। उनके फेफड़ों में पानी पाया गया था और उनके शरीर में अल्कोहल की मात्रा भी पाई गई थी। दोनों यहाँ पे बात जो है वो अलग अलग होती है। जब उनकी मृत्यु डूबने की वजह से हुई है तो फिर जब डॉक्टर होटल में आए थे उन्होंने ये बात कैसे कन्फर्म कर दी कि उनकी मृत्यु जो है वो हृदय की गति के रुकने की वजह से हुई है? और यही खबर पूरे सोशल मीडिया पर फैलाई गई थी संजय कपूर के द्वारा। जी हाँ, संजय कपूर जो रिश्ते में उनके देवर लगते हैं। सूत्रों की माने तो श्रीदेवी अल्कोहल कंज्यूम करती थी, शराब पीती थी, लेकिन वो इतना नहीं पीती थी कि वो अपनी मृत्यु को ही बुलावा दे दे। जी हाँ, वो शराब पीती थी लेकिन वो इतना ज़्यादा कभी नहीं पीती थी। तो फिर आखिर ऐसा क्या कारण था कि उस दिन उन्होंने उतनी ज़्यादा शराब ली? क्या उन्होंने खुद से शराब पी या उन्हें शराब पिलाई गई थी? इस वजह से श्रीदेवी की मौत हुई वो वजह ही सबसे बड़ा सवाल पैदा करती है, क्योंकि एक सूत्रों से पता चला कि जिस होटल में श्रीदेवी रुकी हुई थी उस होटल के बाथटब की लंबाई 5.1 थी जबकि श्रीदेवी की लंबाई 5.7 है। तो क्या ये पॉसिबल है कि 5.7 का आदमी 5.1 के बाथटब में गिर के मर सकता है? ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब किसी ने उसका पैर पकड़ा हो, या फिर जब आदमी डूब रहा हो तो वो ज़रूर अपने बचाव के लिए हाथ पैर मारेगा जिसकी वजह से पानी के कुछ छींटे जो है वो बाथटब के आसपास होगी, जबकि घटनाक्रम में ऐसा कुछ भी नहीं था। जो लास्ट पॉइंट है वो इस और ज़्यादा इंडिकेट करता है कि हो सकता है कि उनकी मृत्यु की साजिश की गई होगी, क्योंकि ओमान में श्रीदेवी ने 240 करोड़ का अपना एक इंश्योरेंस करवाया था और उस इंश्योरेंस का ये टर्म था, ये शर्त थी कि अगर श्रीदेवी की नेचुरल मौत होगी तभी वो पैसे उन्हें मिलेंगे और उनकी मौत दुबई में होगी तभी उन्हें ये पैसे मिलेंगे। तो हो सकता है उनकी मृत्यु की साजिश किसी ने बहुत समय पहले से की थी। तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे पॉइंट है जिसकी और डीपीपी ने ध्यान ही नहीं दिया। साथ ही जब श्रीदेवी की बॉडी को इंडिया लाया गया तो इंडिया पे उनका दोबारा पोस्टमार्टम भी नहीं किया गया। तो क्या ऐसा कारण था जो इंडिया आने के बाद बिना पोस्टमार्टम के उसकी बॉडी का अंतिम संस्कार कर दिया गया? और जब श्रीदेवी शॉपिंग करने के लिए दुबई में रुकी थी तो होटल में चेक इन करने के बाद 2 दिनों तक वो होटल से बाहर क्यों नहीं आई? बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो अभी भी अनसुलझी है। और उस होटल रूम में क्या हुआ था ये बोनी कपूर और श्रीदेवी के अलावा किसी को नहीं पता, और हम लोगों को वही पता है जो हमें बताई गई है। आपकी क्या राय है आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि सुपरस्टार श्रीदेवी की मौत दुर्घटना थी या साजिश। मिलते हैं कल फिर एक नए वीडियो में, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। और वीडियो अच्छी लगी होगी तो मुझे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं कल एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।